तो स्वागत है आपका ज्ञापन अकेडमी की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का हिंदी देखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका से। एक यतीन्द्र मिश्र जो एक लेखक हैं, उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में इसमें लिखा है, वो भी एक बहुत बड़े और महान व्यक्ति हैं। हम बात कर रहे हैं बिस्मिल्लाह खां के बारे में, जो कि एक बहुत ही फेमस शहनाई वादक है, यानी शहनाई जो बजाया जाता है ना, शहनाई वादक है। यानी यतीन्द्र मिश्र, सबसे पहले इनकी जीवनी के बारे में जान लें और आखिरकार इनको पूरे दुनिया में एक शहनाई बजाने वाले व्यक्ति के बारे में क्यों लिखें, पूरी दुनिया में यही टॉपिक उनको कैसे मिला, आखिर कुछ ना कुछ उस बंदे में यूनिक बातें जरूर होगी। यहां बाबू समझिएगा, यतीन्द्र मिश्र, इनका जन्म पहले इनके लेखक के बारे में जान लें, 1977 में हुआ था उत्तर प्रदेश में, यानी अपने बिहार के पास ही में उत्तर प्रदेश से पड़ोसी राज्य अयोध्या में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी शिक्षा जब ये अयोध्या में अच्छा खासा, मतलब जब इनका जन्म अयोध्या में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, उसी विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा से साहित्य में वो एमए किए हैं। क्या किए हैं? वो एमए पढ़ाई किए हैं, यानी मास्टर ऑफ आर्ट किए हैं। अब देखिए, उनके तीन काव्य संग्रह है, ठीक है, यानी तीन काव्य का मतलब समझते हैं। काव्य का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में, मान लीजिए किसी के जीवनी लिख रहे हैं, तो जीवनी का मतलब क्या, पूरा जिंदगी के बारे में जानिए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण घटना उनके साथ क्या हुआ है। हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ ना कुछ एक ऐसी घटना होती है जिससे किसी को बताने में बड़ी मजा आता है कि मेरे साथ ऐसे हुआ था, तो उसी मेन पॉइंट को कहानी के रूप में सजा करके लिखना क्या कहलाता है, काव्य संग्रह कहलाता है। तो तीन काव्य संग्रह है, यदा कदा, अयोध्या और ड्यूरी पर आलाप। ड्यूरी का मतलब क्या होता है, ड्यूरी पर आलाप, ड्यूरी का मतलब क्या होता है, ड्यूरी का मतलब होता है दहलीज, जो गेट होता है ना, गेट मेन गेट या कोई भी गेट हो, या फिर उसको हम लोग अपने भाषा में चौकट बोलते हैं, दहलीज बोला जाता है कि मेरे दहलीज से बाहर पैर मत रखना या मेरे दहलीज के अंदर मत आना, यानी कि दहलीज बोला जाता है। दहलीज पर आलाप एक प्रकार का क्या लिखा गया है, काव्य संग्रह लिखा गया है। आप समझिएगा, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है, शास्त्रीय गायिका की पुस्तक एक है, उस पुस्तक का नाम है गिरजा, ठीक है, गिरजा के बारे में लिखा है, तो पुस्तक का नाम लग दिया गया क्या गिरजा। आपसे पूछा जाएगा गिरजा किसके द्वारा रचित एक पुस्तक है, तो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा रचित एक पुस्तक है गिरजा, ये याद रखिएगा। भारतीय नृत्य कलाओं पर विनर्स की पुस्तक, यानी कि भारतीय नृत्य कला और नृत्य के बारे में, ठीक है, विनर्स की पुस्तक क्या है, देवप्रिय है। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय नृत्य कलाओं पर विनर्स की पुस्तक कौन है, तो देवप्रिय है, और देवप्रिय जिसमें क्या है, भारतनाट्यम, ओडिशा की प्रख्यात नृत्यांगना सोनल सिंह। आपसे पूछा जाएगा कि ओडिशा आप याद रखिएगा, ओडिशा की प्रख्यात नृत्यांगना कौन थी, तो याद रखिएगा सोनल सिंह, ठीक है। अब देखिए, बिमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब हुआ, 1999 में हुआ, किसके द्वारा हुआ, तो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा ही हुआ है, यहां समझिएगा। रीतिकाल के अंतिम कवि, ध्यान से देखिएगा, नाम है द्विजदेव, ठीक है, इन्होंने रीतिकाल के अंतिम कवि थे, ये जो भी ग्रंथावली लिखे थे उसको फिर से सह संपादन किए हैं यतीन्द्र मिश्र। सह संपादन का मतलब क्या, फिर से पढ़ के उसके कमी को या फिर उसमें कुछ जोड़ करके और कुछ अच्छे तरह से किताब अगर छाप रहे तो उसी को सह संपादन कहते हैं, यानी दोबारा उसको कुछ सुधार करके लिखना, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसके ग्रंथावली को यतीन्द्र मिश्र ने सुधार करके, यानी सह संपादन करके लिखा है, तो क्या, द्विजदेव का, यानी आप याद रखिएगा द्विजदेव कौन थे, तो रीतिकाल के अंतिम कवि थे। आपसे पूछा जाएगा बाबू रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है, तो द्विजदेव है, याद रखिएगा। अब देखिए, कुंवर नारायण पर केंद्रित दो पुस्तकें, ठीक है, और गुलजार की कविता का संपादन यार जुलाहे। आपसे पूछा जाएगा कि गुलजार जो है फिल्म है, फिल्म के कवि है, एक तरह से फिल्मकार के रूप में कह सकते हैं, ये फिल्म में अपना अलग अलग कविता दिए हैं, तो गुलजार की कविताओं का संपादन किसने किया, तो यतीन्द्र मिश्र। संपादन जब किए हैं तो डायरेक्ट कोई भी चीज़ ला के कॉपी करके नहीं रखा जाता है, उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है बाबू, ठीक है, नहीं तो वो कहा जाए, अच्छा मान लीजिए किसी के बोले हुए शायरी को बोलिएगा तो उसमें बाबू क्या होगा, बोलेगा नहीं ये तो हम पहले सुने थे, तो उसमें कुछ सुधार करके बोल देना। तो गुलजार की जो कविता थी उसका सुधार करके और संपादन करके उसका नाम रखे क्या,
यहाँ पे यार जुला है नाम से उन्होंने क्या किया, उसका संपादन किया। अब देखिए इतना ये काम करने के बाद इन्हें सबसे ज़्यादा इन लेखकों को पुरस्कार मिला है। देखिए कैसे, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार मिला है, ठीक है, यानी भारत वाला सब इन्हीं को मिला है। देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला है, राजा पुरस्कार मिला है, हेमंत स्मृति पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, केंद्रीय संगीत नाटक अकेडमी, ठीक है, यहाँ पे नई दिल्ली और सराय नई दिल्ली के फिलोसफी, ये सब प्रकार के इनको सम्मान इधर से मिला गया है, इधर इनको दिया गया है। और एक और बात आपको बता दें, इनको जब राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार ये मिला गया, एकता का मतलब सबको इनके मतलब लिखे हुए बातों में इतना दम होता था कि सबको एक कर देता था। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, एक शहनाई वादक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक शहनाई बजाते हैं, और उन शहनाई में ऐसी ऐसी धुन होती थी जो लोगों को एक कर देती थी, लोगों को रुला देती थी। उनका नाम है बिस्मिल्लाह खां द्वारा बजाई गई शहनाई सबको रुला देती थी। वह हिंदू और मुसलमान के एकता की बात करते थे हमेशा। वो धर्म से तो मुसलमान थे यानी इस्लाम धर्म के थे, लेकिन वह हिंदू और मुसलमान दोनों में कोई असमानताएं नहीं थी, सबको समान समझते थे। वो पांच वक्ती नमाज पढ़ते थे यानी पांच वक्त का नमाज पढ़ते थे, लेकिन वो जिस तरह अपने धर्म को सबसे ज़्यादा मानते थे वैसे ही दूसरे धर्म को वो क्या करते थे, सम्मान देते थे, इज्जत सम्मान देते, यानी कि उनमें कोई भेदभाव नहीं थी। वो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक करके हमेशा रखना चाहते थे। फिर नेक्स्ट लेयर में देखते हैं, अब विश्लेषण को देखते हैं, बिहार के सबसे फेमस शहनाई बजाने वाला बिस्मिल्लाह खां के बारे में। ये पूरे बिहार नहीं पूरे भारत में फेमस थे, लेकिन इनको फिल्म में भी बहुत रुचि थी। इनकी एक फेवरेट हीरोइन थी, हीरोइन का नाम क्या था, सुलोचना। बाप रे, अगर कोई भी कहीं भी इसका कभी भी नया फिल्म अगर आ जाए तो सब काम छोड़ करके और सबसे पहले इसकी फिल्म का टिकट लेने चले जाते थे, इतने पागल थे इसके फिल्म के। लेकिन बहुत ही मज़ेदार व्यक्ति थे। यहाँ समझिएगा, नौबत खाने में इबादत, यानी कि इबादत का मतलब आप समझते हैं सजदा, उपासना करना। क्या होता है उपासना करना, भक्ति में लीन हो जाना, भक्ति करना ही इबादत है। नौबत खाने का मतलब क्या होता है, नौबत खाने का मतलब होता है सपोज कुछ देर के लिए एक मंदिर है और उस मंदिर के सामने क्या करते हैं, भजन किया जाता है। तो मंदिर के गेट के बाहर अगर भजन करते हैं उसी को कहते हैं नौबत खाना। उसको क्या बोलते हैं, बाहर आप बैठ करके अगर संगीत गा रहे हैं तो उसको नौबत खाना। और इबादत का मतलब होता है उपासना, यानी कि गाना बजाना मंदिर के बाहर अगर आप कर रहे हैं तो उसी को कहते हैं नौबत खाने में इबादत। देखिए बिस्मिल्लाह खां, इनको कमरुद्दीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम कमरुद्दीन है, ठीक है। मज़ेदार व्यक्ति हैं ये, बिहार के, और बिहार के हैं तो भाई फिल्म, अच्छा हम लोगों को भी देखना फिल्म में बहुत रुचि आता है, ठीक है। तो इनकी एक फेवरेट हीरोइन का नाम याद रखिएगा, सुलोचना आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए डुमराव, डुमराव कहाँ है, तो बिहार में है, एक संगीत प्रेमी परिवार से आते थे। इनके पूरा खानदान संगीत में रुचि लेता था, सब कोई शहनाई बजाता था, तो जाहिर सी बात है कि ब्लड तो वही रहेगा ना, खून वही है, तो खून वही है, तो सेम टू सेम खानदान का असर पड़ा, इनको भी संगीत में इंटरेस्ट आने लगा। अब देखिए बड़े भाई का नाम याद रखिएगा, देखिए शमसुद्दीन खां, और पिता को लोग भगवान मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, तो इनके पिता का नाम पैगंबर वक्त था और माता का नाम मिठन। मिठन कैसे याद रखिएगा, तो माँ का बोली बड़ा मीठा होता है, तो माता का नाम मिठन। अब देखिए परदादा का नाम उस्ताद सलार हुसैन खां, आपसे पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था, तो सलार हुसैन खां नाम था। अब देखिए जब ये 5 से 6 वर्ष के हुए तब इनको इनके घर से यानी कि डुमराव से काशी भेज दिया गया, उत्तर प्रदेश में जो जगह है काशी वहाँ भेज दिया गया। आपको पता होना चाहिए कि काशी भी देवों की भूमि है, वहाँ पे शहनाई वगैरह लोग हमेशा सुनते रहते हैं, एक तरह से जगह तो पूरा का पूरा पर्यटक स्थल है, वहाँ घूमने वाला दृश्य बहुत अच्छा अच्छा है। यहाँ देखिए जब 5 से 6 वर्ष के हुए तो अपने ननिहाल चले गए थे यानी नाना के घर चले गए थे काशी में, ठीक है। अब काशी में गए तो वहाँ उनको मामा मिले, नाना मिले, ये लोग भी शहनाई बजाते थे और ये लोग मंदिर के सामने शहनाई बजाते थे, और उससे जो भी इनका दिनचर्या यानी कि दिन की शुरुआत ही होती थी शहनाई से, ठीक है, जाके मंदिर के सामने शहनाई बजना, काफ़ी फेमस यानी कि काफ़ी प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। यहाँ देखिए उनके मामा प्रसिद्ध शहनाई वादक थे, मामा का नाम याद रखिएगा, देखिए सादिक हुसैन और अली वक्त खान याद रखिएगा ये। अब देखिए बालाजी मंदिर की डेवड़ी, डेवड़ी का मतलब क्या होता है, दहलीज, यानी बालाजी जो मंदिर है कहाँ है, काशी में बालाजी मंदिर है,
आप काशी विश्वनाथ मंदिर भी जानते होंगे, वहाँ पे लोग शहनाई बजा के अपनी दिनचर्या शुरू करते थे, ठीक है। और पैसे कमाने के लिए राजा महाराजा के दरबार में जाते थे, यानी रियासतों में दरबार में क्या करते थे, शहनाई बजाते थे और पैसा खर्च मतलब पैसा कमाते थे। अब देखिए ये इनकी क्या थी, खानदानी पेशा थी। आपसे पूछा जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां का खानदानी पेशा क्या था, तो शहनाई बजाना, ठीक है। यहाँ देखिए 14 वर्ष की उम्र और बालाजी मंदिर पर रियाज शुरू। जब ये 14 वर्ष के हुए तब इनको इनके मामा जी बोले अब तुम भी काम धंधा करो, ठीक है, जाओ रियाज वगैरह करो। तो बालाजी मंदिर के पास जाते थे और वहाँ प्रैक्टिस करते थे, रियाज करते थे, ठीक है, शहनाई बजाने का। अब देखिए जब ये बालाजी मंदिर में जाते थे तो ध्यान से देखिए, तो घर से जाएंगे बालाजी मंदिर, यानी अपने मामा के घर से बालाजी मंदिर जाते, तो रास्ते में जाते थे तो दो बहन थी और दोनों बहुत बहुत अच्छा गाना गाती थी, उन्हीं से ये प्रेरित हुए थे गाना सुन सुन के कि हम भी जब बड़े होंगे ना तो बहुत अच्छा गाना गाएंगे। तो यहां देखिए वो दोनों बहन कौन कौन थी, देखिए रसूलन बाई और वतुलन बाई, ये दो ऐसी बहन है जो क्या थी, संगीत सुनाती थी और इसको सुन करके बिस्मिल्लाह खां को बड़ा अच्छा लगता था और इन्हीं लोगों से ये प्रेरित होकर के बोले कि संगीत हमको भी सीखना है, हमको भी बहुत अच्छा क्या बनाना है, बजाना है, अपना क्या बजाना है, शहनाई बजाना है। अब देखिए शहनाई का, देखिए शहनाई का वैदिक काल में कहीं उल्लेख नहीं है, यानी वैदिक काल में जो भी था वेदों के समय शहनाई का उल्लेख नहीं है। बस अगर कोई बजाने वाला चीज़ है तो देखो क्या है, उसे कहते थे सुशीरवाद। सुशीरवाद मतलब फूक के जो बजाया जाता है चीज़, उसी को सुशीरवाद, बस इसी में उसको गिना जाता है। शहनाई का कहीं उल्लेख नहीं है, स्पेशल रूप से शहनाई का कोई किताब नहीं है। तबला का है, हर चीज़ का है कि ये तबला यहाँ बजता था, लेकिन शहनाई का नहीं है, बस फूक के बजाया जाता है, उसे सुशीरवाद कहते हैं। अब देखो पांच वक्त, एक और बात, बिस्मिल्लाह खां पक्के मुसलमान थे, पांच वक्ती नमाज पढ़ते थे। आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं बाबू कि ये क्या, पांच वक्ती नमाज पढ़ते थे और नमाज में एक ही चीज़ मांगते थे। जब दुआ मांगा जाता है उस समय, ठीक है, सर सजदा करके यानी सर को झुका करके नीचे, और जब दुआ मांगा जाता है तो एक ही चीज़ मांगते थे कि ए खुदा हमको एक अच्छा सुर बख्शो, यानी कि इसका मतलब हुआ कि खुदा से कहते थे कि हमको कुछ ऐसा सीख दो, ठीक है, ताकि हम नया नया सुर निकाल पाए और लोगों के मनों को मतलब लुभा पाए, ऐसा वो हमेशा खुदा से मांगते जब भी पढ़ते थे पांचों वक्त नमाज। यहां देखिएगा प्रार्थना करते कि ए सुर, यहां पे होगा एक सुर बकस दो, यानी सजदे में वो कहते थे। अब देखिए एक बात आता है, मुहर्रम का दिन ऐसे होता है ना, जैसे तजिया वगैरह बनता है मुहर्रम के दिन में, तो आप लोग देखे होंगे वो कोई खुशी का माहौल नहीं होता है, वहाँ पे किसी का शहादत यानी कि कोई ना कोई शहीद हुआ रहता है किसी की, उस समय आप ये कोई खुशी का माहौल नहीं होता है, यहाँ समझिएगा। मुहर्रम के 10 दिन तक शहनाई संगीत नहीं, यानी कि जब मुहर्रम आता था तो उनके खानदान में कोई भी संगीत नहीं बजाता था, शहनाई नहीं, भाग कोई भी दिन हो, जब मुहर्रम का दिन आता था तो उनके खानदान में कोई शहनाई नहीं बजाता, कोई गाना नहीं बजाता था, ठीक है, क्योंकि मुहर्रम का दिन कोई खुशी का दिन नहीं है, यहाँ समझिएगा। अब देखिए 8 तारीख के दिन, उसके 8 तारीख के दिन दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर पैदल नोहा बजाते हुए रोते थे। देखिएगा यहाँ पे इमाम हुसैन के शहादत और उनके परिवार, यानी जो इमाम हुसैन थे और उनके परिवार का शहादत हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो लड़ाई में वो शहीद हो गए थे, उसके लिए क्या मनाया जाता है, ये जो मुहर्रम है मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। और वो बेचारे क्या करते थे कि 10 दिनों तक कोई कुछ नहीं बचाता था, लेकिन 8 तारीख के बाद वो क्या करते थे, 8 किलोमीटर पैदल चलते थे, नोहा बजाते हैं। नोहा समझते हैं, जब नोहा बजता है ना वो भी एक प्रकार का क्या है, शहनाई है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा होता है, ऐसे मुँह के पास आके और तिरछा होता है, ठीक है, और मुंह के पास रीढ़ लगा रहता है, री और ड, री का मतलब होता है, रीढ़ का मतलब होता है जो मुंह फूंका जाता है ना, फूंका जाता है तो वहाँ ऊपर वाले हिस्सा को बोलते हैं। अब देखिए अब आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में क्या किया जाएगा, ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक वो पैदल जाते थे या कितना किलोमीटर जाते थे और नोहा बजाते थे और रोते हुए जाते थे। अब रोते हुए का मतलब उनको दुख था इस बात का, क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत पर वो रोते थे, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, दाल मंडी में फतमान के करीब 8 किलोमीटर वो पैदल जाते थे, ठीक है, और जब वो जाते थे और बजाते हुए जाते थे नोहा, तो इतना उसमें मतलब सैड वाला धुन था कि समझिए तो लोग सुन करके भी रो देते थे, इतना इनके अंदर ताकत थी, मतलब
मतलब शहनाई बजाने की, यहाँ समझिएगा पुरानी यादव। अब आते हैं इनके बचपना के तरफ। अब कभी ये जब फुर्सत में बैठते थे तो आराम से बैठ जाते थे और पुरानी यादव को सोच सोच के हंसते रहते थे, देखिएगा कैसे। ठीक है, यहाँ देखिए पुरानी यादव में सुलोचना की फिल्म है, सुलोचना की फिल्म का बड़ी इनको याद आता है बहुत, हम क्या बताएं इनको, बिहारी है ना, प्यार मोहब्बत हो सकता है हो गया होगा। ठीक है, तो सुलोचना की फिल्में देखते थे और फिल्म देखने के बाद किसी तरह अगर फिल्म लग गई सुलोचना की तो वहाँ जाते थे जरूर, किसी ना किसी माध्यम से टिकट कैसे भी लेकर के खूब काम करते थे बालाजी मंदिर के पास, वहाँ से जो भी पैसा इकट्ठा होता था चले जाते थे फिल्म देखने के लिए। जब फिल्म में ब्रेक होता है तो ब्रेक के समय आकर के क्या कहते, कचौड़ियाँ वगैरह खाते थे, तो कचौड़ियाँ का भी बहुत याद आती थी। यहाँ देखिए जब 4 वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष के थे तो उनके नाना जी शहनाई बजाते थे और ये क्या छिप के सुनते रहते थे, तो सोचे कि नाना जी कितना सुंदर शहनाई बजा रहे हैं, ठीक है हम भी बजाएंगे इसको, हम भी सीखेंगे। ठीक है, ऐसा होता है ना, कोई देखिए गिटार वगैरह बजाता है, हारमोनियम बजाता है तो क्या होता है, लगता है कि हम भी बजाते तो कितना अच्छा लगता। ठीक है, तो ये बिस्मिल्लाह का सुनते थे, जैसे ही उनके नाना जी चले जाते थे तो वह आ करके और वो जितनी भी क्या थी, जितनी शहनाई थी उसे उठा के बजाते थे, इनसे अच्छा बजता ही नहीं था। तो वो सोचते थे जो नाना जी बजाते थे वो मीठी धुन वाली शहनाई कहाँ है, मीठी धुन वाली शहनाई कहाँ है, उस मीठी धुन वाली शहनाई को खोजते थे, जबकि उनको पता होना चाहिए कि वो मीठी धुन वाली शहनाई नहीं ना होता है जी, वो तो बजाने का क्वालिटी होता था। वो बेचारे पूरा घर ढूंढ लेते, जितना शहनाई है सबको चेक करते थे, भाई इसमें मीठा धुन किसी में है ही नहीं, लग रहा है मीठी धुन वाली शहनाई नाना जी छिपा दिए हैं। ठीक है, यानी दादाजी या नाना जी जो भी है। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे, और मामा जी को दाद देते, अब समझिएगा आज जब इनके मामा जी शहनाई बजाते थे तो दाद देने का मतलब नहीं बजाता है वाह 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 बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये क्या करते थे कि इनको दाद देने नहीं आता था तो पत्थर, अब बच्चे थे 4 बरस का तो पत्थर जमीन पर पटकते थे सब लोग, मतलब वाह 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 कहते थे। ठीक है, तो दाद देने का इनका तरीका ही अलग था। अब देखिएगा फिल्म का बुखार इन इतना रुचि, फिल्म का बुखार इनको इतना चढ़ा था, बुखार मतलब बीमारी वाला नहीं, ठीक है बहुत रुचि लेते थे। थर्ड क्लास देखिए, थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे के टिकट, अगर आप टिकट लेने जाते हैं मूवी मतलब फिल्म देखने के लिए ही जाते थे टिकट लेने के लिए तो 6 पैसा लगता था, पीछे बैठना पड़ता था। ठीक है, क्योंकि 6 पैसा लगेगा तो थर्ड क्लास टाइप का सीट मिलता था। तो अब 6 पैसा इकट्ठा कैसे करते, तो देखिए 2 मामू से मांगते थे, 2 पैसा मौसी से और 2 पैसा नानी से। ठीक है, मांग करके 6 पैसा हो जाता और जाके फिल्म देखते थे और फिल्म देखने के बाद से आकर के फिर कचौड़ी खाते थे। ठीक है, और जो बालाजी मंदिर पे क्या बोलते हैं शहनाई बजा करके पैसा इकट्ठा होता था उससे भी बाबू ये क्या करते थे, फिल्म जा करके देख लेते थे। फिल्म की सबसे फेवरेट हीरोइन इनकी कौन थी, तो सुलोचना थी, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए अपार श्रद्धा, लेकिन हाँ उन जो काशी वहाँ पे उनके नाना घर काशी था ना, तो काशी यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर के लिए काफ़ी इनकी श्रद्धा थी, यानी कि इनका दिन ही शुरू होता था इस मंदिर से और आकर के मुस्लिम हो के भी सबसे ज़्यादा काशी में आकर के लोगों का हेल्प किए हैं, लोगों को क्या किए हैं एक तरह से देखो तो शहनाई सुना है और मंदिर में आकर के हमेशा मंदिर बालाजी मंदिर के सामने शहनाई बजाए हैं। ठीक है, अब देखिए काफ़ी ज़्यादा श्रद्धा रखते थे। और एक और बात इससे थोड़ा सा एग्जाम में पूछता है, ये कहीं भी दूर कहीं जाते प्रोग्राम देने के लिए, ठीक है अलग अलग भाई शहनाई वादक है तो लोग बुलाएंगे, तो सबसे पहले काम क्या करते थे कि अपना शहनाई बजाने की शुरुआत काशी के तरफ मुंह कर देते, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि इधर सब लोग ऑडियंस है, सब लोग सामने हैं। ठीक है, हम आपको जैसे बता रहे थे तो स्टार्टिंग ये इधर अगर काशी जगह है तो इधर से करते थे, इधर शहनाई कुछ ही देर 10-15 मिनट पहले काशी की तरफ मुंह करके बालाजी मंदिर की तरफ और क्या करते थे शहनाई बजाते, फिर वो अपने क्या करते प्रोग्राम की शुरुआत करते थे। इतनी श्रद्धा थी उनको काशी से, यानी कि सभी धर्मों को मानते थे वो। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, भले वो क्या थे इस्लाम धर्म से थे। अब देखिए काशी संस्कृति का पाठशाला है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, अगर सही से देखा जाए तो सभ्यता और संस्कृति जो भारत की है वो सबसे ज़्यादा काशी में देखने को मिलती है, यानी कि काशी संस्कृति क्या है, संस्कृति का पाठशाला है जहाँ हजारों सालों का इतिहास दबा हुआ है काशी में। काशी एक बहुत ही सुंदर और भव्य जगह है। ठीक है, अब देखिए शिष्य का प्रश्न, यहाँ कितना मजा आने वाला है। एक शिष्य इनसे क्या बोला है, शिष्य का मतलब जो शहनाई सीखने वाला एक शिष्य लड़की है, वो बोली एक बात हमको बताइए गुरु जी। ठीक है, बड़ा मामला गड़बड़ हो गया, देखिए
भारत रत्न से आप नवाजे गए हैं, आपको भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, आपसे जब कोई मिलने आता है तो आप क्या करते हैं कि देखो तहमद फटी क्यों पहनते हैं, तहमद का मतलब लुंगी होता है, यानी इनकी शिष्य इनसे प्रश्न किए कि आपसे बाप रे भारत रत्न से आपको नवाजा गया, भारत रत्न मिला है, तो आप फटी हुई लुंगी पहन के क्यों चले जाते हैं, ऐसे ही अच्छा नहीं लगता है आप में। ठीक है, तो इनका जवाब सुनिएगा। तो ई बोले हैं धत पगली, भारत रत्न हमें सहनाई पर मिला है, लुंगी पर थोड़े मिला है। ठीक है, तो हमारा लुंगी फटा हुआ है तो सिल लेंगे, खुदा ना करे हमारा गला फट जाए तो वो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा इसी से जिंदगी की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये इनको समझाएं कि देखो अपने कर्म पर भरोसा रखो, जो काम करते हो उस पर ध्यान, कपड़ा का क्या है, वहाँ कौन सा स्टाइल दिखाना है, स्टाइल हमको जिस नाम से जाना जाता है, हमको सहनाई से जाना जाता है, लुंगी से नहीं जाना जाता है। ठीक है, इन्होंने जवाब दिया है। ठीक है, उसको प्यार से समझाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मालिक की दुआ है कि फटी सुर ना बख्शे, बस मालिक की दुआ है कि फटी सुर हमको ना दे, बाकी हम सब अपना देख लेंगे। अब देखिए 2000 ईस्वी में पक्का महाल से मलाई बर्फ जा चुकी थी। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है आप देख भी रहे हैं पुरानी चीज़ें खत्म, पहले हम लोग कंचा वगैरह खेलते थे, आजकल जमाना वो नहीं रहा, गुल्ली डंडा खेलते थे वो जमाना नहीं रहा, अब तो लड़का मतलब फ़ोन में ही फ्री में फायर कर रहा है, नहीं फ्री फायर खेल रहा है, सब कुछ बंद होते जा रहा है, तो पुरानी यादें तो रहेंगी ना। तो ये भी 2000 ईस्वी में अफसोस इनको था कि पुरानी चीज़ें खत्म होते जा रही, पहले मलाई बर्फ वगैरह आता था, ठीक है, अपना जो भी हॉर्न था वो बजाता था, उसके बाद से हम लोग जाते थे और खरीदते, वो सब कुछ खत्म होते जा रहा है और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि हम लोग बहुत बड़े एक सितारा को खो दिए हैं। 21 अगस्त 2006 को 90 बरस की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई और ये बिस्मिल्लाह खां इस दुनिया से दुनिया को अलविदा बोल के चले गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सबसे पहले लाइक का बटन दबाइए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले लेसन में, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सीरीज बाकी है, और मैथमेटिक्स का इतना धांसू ट्रिक है कि पूरा 15 लेसन 5 या 7 दिन में कंप्लीट होगा, और जो लड़का कभी नहीं पढ़ा होगा उसका भी अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो 80-85 नंबर ला सकते हैं, और पढ़े हो तो 100 का 100 आप टारगेट रखिएगा, आएगा जरूर, क्योंकि 10th का मैथ बहुत ही आसान है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।